केपी चौधरी साहब, एक बात बताइए कि आपने धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये जो धर्म है और आडंबर है, ये बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं इन दोनों में, वो बताएं। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई गई हैं। जी, दिवाली मनाना, होली मनाना, ये मनाना, विष्णु जी का दूध पीना, बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती हैं, समझ बात आप। तो ये जो आडंबर वर्ड आपने यूज़ किया और धर्म की जो व्यवस्था है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इसमें ये है कि अब लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच को ऊपर लेके जाना चाहिए। जिस समय ये बनाया गया था उस समय लोग नहीं समझते थे, आज सब चीज़ को समझ रहे हैं, वो आडंबर को भी समझ रहे हैं, धर्म की जो असमानता उसको भी समझ रहे हैं। लोग स्वतंत्र हैं, भारत में प्रजातांत्रिक देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, तो हर आदमी किसी भी धर्म में आ सकता है, जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, ये हमारे जैसे जो गरीब समाज के लोग हैं, शिष्ट समाज के लोगों को दबाने की जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं, जो आडंबर बनाए गए हैं, इनसे अब समाज पूरी तरह जागरूक हो चुका है। और मैं अपने समाज से भी अपील करूँगा कि अब आप सब लोग, क्योंकि मैंने मेरठ में सुना कि वहाँ पर हमारा एक भाई कटारिया है, उसने गाँव में जा करके ठेले पर सारी मूर्तियों को उसने वहाँ से निकाला, घरों से निकाल करके, और बाहर जाकर उसने होली जला दी। तो ये एक परिवर्तन की लहर है और ये स्वाभाविक है, और इसमें हम लोगों को भी अब ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण अगर हमने खाया है, तो हमें बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म को भी अब मास लेवल पर पूरे देश में स्वीकार करना चाहिए।